खबर बताएं उससे पहले मनमोहक तस्वीर देखिए। तस्वीर देखकर इस मुश्किल वक्त में आपका दिल खुश हो जाएगा। तस्वीर शिमला की है, जहां पर फूलों के बगीचे में बहार आ गई है, लेकिन इन बगीचों के मालिकों के चेहरे उतरे हुए हैं। वजह यह है कि फूल तो खिल गए, लेकिन इन फूलों को खरीदने वाला कोई नहीं। जानिए इस नुकसान को लेकर किसान ने क्या कहा। जो आप ये पॉली हाउस देख रहे हैं, ये 560 स्क्वायर मीटर है, और इस पॉली हाउस में जो है तो एनुअली जो है तो मैं चार से पाँच लाख अगर अच्छा रेट मिल जाए, 100 रुपये के आसपास एवरेज रेट अगर कई बार हमें मिलता है तो 5 लाख की क्रॉप हो जाती है। 4 लाख तो अगर रेट कम हो तो 4 लाख रुपया हमें निकल आता है इसमें। तो पूरे हिमाचल में अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 4 से 5 करोड़ का फूलों का जो है तो लगभग इतना बिजनेस है, जो फूलों से इतनी आमदनी होती है। तो ही किसानों के साथ साथ इन बगीचों में काम करने वाले मजदूरों को भी डर सताने लगा है कि अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो काम कैसे चलेगा। ये फूल ही नहीं बिक रहा है तो तब हमारी को रोटी का भी मुश्किल है। हम दिन को कमा रहे, शाम को खा रहे, तो इनका काम नहीं चला तो फिर हमारा भी काम बंद हो जाएगा। इसलिए हमारी को रोटी खाने का भी मुश्किल है। हम मजदूरी है, हम नेपाल से ढेरी मजदूरी कर रहे हैं। इनका इतना नुकसान हो रहा है तो ये महामारी जो है इसके डर से काम नहीं हो रहा है, बंद है, लॉकडाउन है, इसलिए हम भी मार जा रहे गरीब लोग। इनका इतना नुकसान हो रहे, हमारे को काम नहीं लगा रहे, फिर हम विकास करना काट के फेंक रहे, ये पशु को डाल रहे।